जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस टैबलेट का क्या नाम है, इस टैबलेट के बारे में बताएंगे, इन सभी जानकारियों को देंगे आज हम, इसके दुष्प्रभाव, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके लाभ, सारी जानकारियां देते हुए आपको हम, बहुत सारी वीडियो हमारी अपलोड हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं, आँखों से रिलेटेड और अन्य ट्यूमर, गांठ आदि, यदि हमारी माताएँ और बहनों को दिक्कत हो रही है उन सभी, और हमारे जो दादाजी हैं, अन्य सभी लोगों, सभी व्यक्तियों को, सभी महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी जानकारियां दी है, दवाओं से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, शरीर के अन्य प्रॉब्लमों से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किया। आप देख सकते हैं हमारी इस यूट्यूब में, जिसमें हम सारी जानकारियां एकत्रित कर आपको देते हैं। चलिए चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि टाइम ही बहुत अनमोल है, बहुत अमूल्य है, क्योंकि टाइम को बर्बाद जो करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपको राह दिखाने का छोटा प्रयास करेंगे हम। हो सकता है किसी को हमारे बताने से फ़ायदा ही हो जाए, इसीलिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए, ऑफ्लॉक्सिन एंड अर्थात ओरिएंडाजोल टैबलेट, आईपी नाम है इसका, जो फ्लोरा ओजेट कंपनी, फ्लोरा ओजेट टैबलेट है, इसके बारे में बताएंगे हम। ऑफ्लॉक्सिन 200 एमजी है, ओरिएंडाजोल 500 एमजी है इसमें। चलिए इसकी प्राइस भी बता देते हैं, इसकी प्राइस है 110 रुपये। आप कहीं भी, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आप इसके बारे में भी जानना ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में जानते रहेंगे तभी तो आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, चेकअप कराएं, आप अपने डॉक्टर से विजिट कर तभी ही इस दवा का उपयोग करें। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, सारी जानकारियाँ देते हुए हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसके लाभ के बारे में बताते हैं। पहले लाभ हैं इसके दस्त में, यदि किसी व्यक्ति को दस्त है, दस्त यानी प्रॉब्लम हो रही है पेट में, तो इसका उपयोग कर सकता है। कान में इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। देख लीजिए इसका क्या, ऑफ्लॉक्सिन ओरिएंडाजोल टैबलेट का उपयोग कान में, यदि इन्फेक्शन हो गया है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, दस्त हो रहा है, जियार्डियासिस यदि आपको है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोमोनीएसिस यदि आपको है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में प्रॉब्लम हो गई है तो अब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है आपके मसूड़ों में तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कान बज रहा है, कान बजना तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पेचिश पड़ रही है किसी व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा पेचिश पड़ रही है तब भी इस टैबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं, और यदि मल के साथ खून आ रहा है किसी व्यक्ति को या लोगों को, तो आप तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तब इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। चलिए इतना तो रही बात आपके इस टैबलेट के बारे में जो हमने बताया, इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति फ़ायदा देखता है, नुकसान नहीं देखना चाहता, लेकिन हम कहते हैं आप फ़ायदे के साथ नुकसान भी जानना ज़रूरी है, नुकसान भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको नुकसान नहीं पता होगा तो आप फ़ायदे के चक्कर में, नुकसान हद से ज़्यादा हो सकता है आपका, इसीलिए कभी भी फ़ायदा के चक्कर में नहीं पड़िए कि हमें लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही, तो दोनों को आप जानते रहें, दोनों पहलू को जानते रहेंगे तो आपको सही समय पर सही जानकारी हो जाएगा, जिससे आप उससे नुकसान होने से, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। ज़्यादातर इसके प्रभाव कुछ दिनों तक ही रहते हैं, उसके तत्पश्चात इसके प्रभाव कम हो जाते हैं, टल जाते हैं। जैसे चक्कर आना, पेट दर्द होना, उल्टी या मतली, त्वचा पर आक्रांत या अर्थात चकता पड़ना, चकत मतलब चिकट्ठे पड़ना, ये सारी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं, ट्यूमर, आईज में प्रॉब्लम, आँखों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो ऐसे ही मैंने परिभाषा का यूज करते हुए आपको बताया है, आपको एग्जामिनेशन दिया है। और आने वाले समय में यदि आप सबका आशीर्वाद रहा, कृपा रहा, तो हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से आपको इन सभी जानकारियों को देकर आपको स्वस्थ और मस्त रखने में सहायक साबित हो सकते हैं या होंगे, प्रभु की लीला रही तो। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।